अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहुल कुमार फ्रॉम केटर्ड सिक्योरिटीज़। आज की मॉर्निंग आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने देखा कि पहले मार्केट पॉजिटिव थी और एक रेंज बाउंड जो है मार्केट ट्रेड कर रही थी। आफ्टरवर्ड्स मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी अराउंड 300 पॉइंट्स। और कल की जो मेजर न्यूज़ थी वो थी इन्फ्लेशन के नंबर्स। इन्फ्लेशन जो दिसंबर की थी वो अराउंड 29% आई थी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स बिल्ड हुए के आगे जाके हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहे या कि डिक्रीज ना हो। ऑन द न्यू अदर साइड, कल ट्रेड डिफिसिट के भी नंबर आए। ट्रेड डिफिसिट अराउंड 34% डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपोर्ट्स भी हमारे जो है 18 मंथ्स का हाई नंबर था। दैट इंडिकेट्स कि हमारी जो एक्सटर्नल बैलेंसेज हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और कल एक और न्यूज़ भी आई कि के इलेक्ट्रिक के जो डिफरेंट चार डिस्प्यूट्स थे विथ गवर्नमेंट वो भी सेटल्ड हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर के इलेक्ट्रिक। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आज कुछ एक्टिविटी के इलेक्ट्रिक में भी होगी। और ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट हैं वो पॉजिटिव ही बिल्ड हो रहे हैं, कंसीडरिंग फर्दर इलेक्शन इन फेबरवरी। तो हो सकता है कि इलेक्शन जितना करीब आए तो थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो या मार्केट की जो एक्टिविटी है वो कम हो। तो हमने इलेक्शन की डेट्स को फोकस में रखना है। और उसके अलावा अभी रिजल्ट सीज़न आ गया है। अभी जितनी भी कंपनीज़ हैं अपने रिजल्ट अनाउंस करेंगी, जिसमें जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं उसमें हम ज़्यादातर एंटिसिपेशन देखेंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी और बैंकिंग सेक्टर में भी। तो दीज आर द सेक्टर्स जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ऑन द न्यूज़ साइड के इलेक्ट्रिक में अभी हमने देखा कि जो कि कल न्यूज़ आई है उस पर वो चल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर दोनों अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ फॉर ऑल, थैंक यू।